वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूएस स्पेस फोर्स इंडिया में अपने तरफ से एक मिलिट्री सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने वाले। जैसे हम लोग को पता है, हमारे जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अभी यूएस में है क्योंकि जो क्वाड का मीटिंग है उसमें वो गए हैं। और एक्सपेक्टेड था मोदी जी जब भी यूएस में जाएंगे तो विद डिफरेंट जो डिफेंस डील है वो यूएस के साथ साइन होगा। और अगर आप चैनल में पुराने हैं तो मैंने जस्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें फ्रांस ने अपने तरफ से इंडिया को एक बेटर डील प्रोवाइड किया था, बहुत सारा डिस्काउंट प्रोवाइड किया था, साथ ही साथ 100% टेक्नोलॉजी शेयर जो है वो भी फ्रांस ने कहा था। ऑन द अदर साइड 38 को हमारे अजीत डोवल सब जो है वो फ्रांस जाने वाले थे। तो ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट का बात यूएस ने अभी किया है इंडिया के साथ, तो हम लोग क्या सोचें, फ्रांस का जो कहना था या फिर जो भी ऑफरिंग था इंडिया के लिए, उसके वजह से यूएस ने अपने तरफ से एक स्टेप अहेड जाके बोला कि भाई आप लोग जो है आप लोग सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करो, वो भी मिलिट्री सेमीकंडक्टर प्लांट जिसमें यूएस का जो स्पेस फोर्स है वो आगे जाके इंडिया को हेल्प करेगा ये बनाने में या फिर इसका जो प्रोडक्शन है वो करने में। तो जो भी हो उसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है क्योंकि इंडिया में पहली बार नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट बैठने वाला है और आगे जाके इंडिया में ही ये सेमीकंडक्टर जो है वो प्रोडक्शन होगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, ये एक नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होने वाला है जो कि यूपी के जेवर में बनने वाला है। प्रेजेंटली हम लोग को पता है कि यूपी के जेवर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये जो एयरपोर्ट है ये भी बन जाएगा। ऑन द अदर साइड ये जो प्लांट है ये इस एयरपोर्ट के बहुत ही करीब में बनने वाला है, जिसके वजह से हम लोग को ये पता चलेगा कि आगे जाके इसी एयरपोर्ट को यूज़ किया जाएगा ये सारा जो चिप यहाँ बनेगा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो कि भैया इंडिया में तो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है। प्रेजेंटली हम लोग देखे थे कि भाई गुजरात में भी बन रहा है, डिफरेंट लोकेशन में भी बन रहा है, ऑन द अदर साइड बहुत सारे जो प्लांट है अभी भी पाइपलाइन पे है जिसको गवर्नमेंट अपने तरफ से आगे जाके मंजूरी देता है तो वो भी सेटअप होगा। तो अचानक से क्या हुआ कि हम लोग को यूएस के साथ मिलकर ये प्लांट बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो प्लांट है और बाकी जो प्लांट इंडिया में अभी भी बनना स्टार्ट हो गया है पहले से, उनमें और इनमें बहुत सारे डिफरेंस है। इस प्लांट में स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिजाइन सेंटर और दो फैब्रिकेशन यूनिट बनने वाला है, जिससे आगे जाके ये जो प्लांट है डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिफेंस इक्विपमेंट में सेमीकंडक्टर यूज होता है, फॉर एग्जांपल जो नाइट विजन गॉगल्स होते हैं जिसको लेके एग्जैक्टली हम लोग का जो सोल्जर्स है वही लोग यूज करते हैं। ऑन द अदर साइड मिसाइल्स में जो सेमीकंडक्टर लगता है या फिर जो स्पेसशिप में सेमीकंडक्टर यूज होता है, इसके अलावा भी अगर आप देखें मिलिट्री ड्रोन्स, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम, कार्स, मिलिट्री फाइटर जेट्स, मिलिट्री जैमर, रेडर, इन सब में जो सेमीकंडक्टर यूज होता है वो सेमीकंडक्टर आगे जाके इंडिया में कम्प्लीटली अपने देश में प्रोडक्शन होगा और वो मेड इन इंडिया होगा। इसमें हम लोग को हेल्प करेगा यूएस। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, मतलब जो डिफेंस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इसमें साल में लगभग $1 बिलियन के आसपास इंडियन गवर्नमेंट खर्चा करता है। मतलब हर साल हम लोग $1 बिलियन इसमें स्पेंड करते हैं, जिससे हम लोग डिफरेंट कंट्रीज लाइक अगर यूएस को पकड़ लीजिए या फिर यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज है उन लोगों से हम लोग ये सारा कुछ सामान खरीदते हैं और हम लोग का जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें हम लोग ये सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। तो आगे जाके जब ये प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो $1 बिलियन हम लोग को इंपोर्ट के लिए देना पड़ता है सेमीकंडक्टर, ये पैसा हम लोग को देना नहीं पड़ेगा, या हो सकता है कि इसमें कुछ पार्ट हम लोग को देना पड़े, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम लोग का बच जाए क्योंकि वो जो प्रोडक्शन है हम लोग के इंडिया में ही होगा। ऑन द अदर साइड इंडिया में अगर ये प्रोडक्शन जो है ये बढ़ जाता है आगे जाके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कंट्री ये सब सामान खरीदते हैं, दुनिया में आज के डेट में अगर हम लोग देखें हर कोई कंट्री अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको ज़्यादा मजबूत करने में रेडी है, होपफुली ये जो मार्केट है ये और भी बढ़ने वाला है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया अपने तरफ से ये सारा जो सामान है ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हो कि भैया ये सब तो हम लोग समझ गए, ऑन द अदर साइड इंडिया को अगर यूएस चाहता तो अपने तरफ से 100% जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर कर देता। ऑन द अदर साइड यूएस के जो स्पेस फोर्स है उन लोगों को क्या ज़रूरत है इंडिया में आके रहने के लिए या फिर ये सब जो काम होगा वो देखने के लिए। आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया सेमीकंडक्टर में बहुत पीछे है क्योंकि इंडिया बहुत देर से स्टार्ट किया है। ताइवान जैसा कंट्री को अगर आप देखें वो बहुत पहले ये सेमीकंडक्टर में बहुत आगे निकल चुका है, ऑन द अदर साइड हम लोग अभी सिर्फ स्टार्ट करें। तो प्रेजेंटली जो सारे कंट्रीज पहले से इसमें डेवलप्ड है, आज के डेट में अगर हम लोग यूएस को देखें, यूएस में बहुत सारा जो सेमीकंडक्टर है बहुत सालों से प्रोडक्शन हो रहा है और वो लोग इसमें एडवांस है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग को सेटअप करना होगा तो हम लोग को किसी ना किसी का हेल्प का ज़रूरत है और यूएस अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो ऐसे तो वो फ्री में नहीं कर रहे, आपको भी पता है कि यूएस कैसा कंट्री है, ऑब्वियसली उन लोगों को इसके लिए चार्ज करेगा या फिर इंडिया के साथ जो डील होगा वो डील जब पब्लिक किया जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसमें क्या क्या है या फिर नहीं है वो सब हम लोग को पता चलेगा।
ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर इंडिया के धरती में ये प्रोडक्शन हो जाता है, एक बार अगर हम लोग ये प्रोडक्शन सीख लेते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके हम लोग को यूएस का जरूरत ना पड़े और इंडिया अपने तरफ से जो इंडियंस हैं उन लोगों को लेके ये प्रोडक्शन कर पाए। प्रेजेंटली चांसेस जो है ये काफ़ी हाई है, मगर ये कंफर्म नहीं है। अगर ये प्लांट जो बनने वाला है, हो सकता है कि ये प्लांट दुनिया का पहला मल्टी फंक्शन फैब्रिकेशन प्लांट बने, मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो डिफेंस पार्ट में हो या फिर हम लोग का जो रोज़ाना ज़िंदगी में हो, वो सारा सेमीकंडक्टर यहाँ प्रोडक्शन होगा। मगर ये बात जो है अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि जब ये प्लांट के लिए नेक्स्ट जो स्टेप या फिर नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास पब्लिक किया जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि ये प्लांट जो इंडिया में बनने वाला है, क्या ये मल्टी फंक्शन प्लांट बनने वाला है जिसमें हर तरह का जो सेमीकंडक्टर है वो प्रोडक्शन होगा या फैब्रिकेशन होगा या नहीं। तो चांसेस तो है, अब देखा जाएगा आगे कि एग्जैक्टली ये प्लांट कैसे बनता है या फिर ये प्लांट जो प्रोडक्शन करेगा वो किस लेवल पर ये अपने तरफ से या फिर क्या क्या प्रोडक्ट ये बनाएगा एक साथ। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हो कि भैया रशिया ये देख के कोई गुस्सा नहीं हो गया, तो रशिया का क्या फीडबैक है? आज के डेट में अगर हम लोग देखें, रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसका जो ये सेमीकंडक्टर पार्ट है, मतलब ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जो पार्ट है वो रशिया में इस लेवल पर डेवलप नहीं है, जिसके वजह से अगर इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करना चाहे तो उसमें रशिया उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड अगर ताइवान या फिर यूएस ऐसा कोई कंट्री को हम लोग ले लें, तो वो लोग अपने तरफ से ये प्लांट सेटअप में बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। नो डाउट रशिया आज के डेट में भी अपने तरफ से जब सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं और वही सेमीकंडक्टर रशिया अपने तरफ से यूज़ करता है। हो सकता है कि रशिया को ये इंडिया का यूएस का जो डील है ये अच्छा नहीं लगे। ऑन द अदर साइड रशिया अपने तरफ से कभी भी ये सब बोलेगा नहीं, क्योंकि रशिया के जो पुतिन है और यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की है, इसमें जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। ज़ेलेंस्की कुछ भी होता है या नहीं होता है अपने तरफ से ट्वीट कर देते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप पुतिन को फॉलो करें दुनिया में, वो अपने तरफ से क्या करता है ये किसी को पता नहीं। वो जो नेक्स्ट स्टेप है जब हो जाता है तब जाके हम लोग को पता चलता है। तो ऑब्वियसली हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो इंडिया रशिया के जो रिलेशन है उसमें नहीं आएगा। आगे जाके हमारे मोदी जी कुछ दिन में रशिया भी जाने वाले हैं, तो जब ब्रिक्स वहाँ ऑर्गेनाइज होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोदी जी पुतिन से भी मिलेंगे, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो भी सकता है कि रशिया के साथ इंडिया के और भी जो डिफेंस डील है वो जाके प्लेस हो। क्योंकि इंडिया के पास अगर देखा जाए आज के डेट में इंडिया डिफरेंट कंट्री के साथ डिफेंस डील करता है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो। रशिया हम लोगों का एक बहुत ही पुराना दोस्त है, यूएसएसआर के टाइम से रशिया हम लोगों को साथ डिफेंस डील करता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्प भी किया है जब हम लोग को ज़रूरत हुआ है। तो ये जो रिश्ता है रशिया के साथ इंडिया का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये इतना जल्दी सिर्फ एक डील से कुछ इफेक्टेड होने नहीं वाला है। ऑन द अदर साइड जब वीडियो स्टार्ट हो रहा था तब मैंने आपको कहा था कि फ्रांस ने इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑफर दिया है, जिसको लेकर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है। तो हो सकता है कि यूएस का ये आंसर है फ्रांस को कि अगर आप कोई डिस्काउंट रेट में इंडिया को 100% टेक्नोलॉजी शेयर करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग भी इंडिया को सेमीकंडक्टर जो प्रोजेक्ट है इस लेवल पे हम लोग इंडिया को हेल्प करेंगे वहाँ जाके वहाँ बनाने में। मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट भी रहेगा जो इंडिया में प्रेफर किया जाता है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो डील इंडिया को मिला है ये फ्रांस के लिए यूएस का जवाब है कि अगर आप लोग बेटर डील दे सकते हैं तो हम लोग उससे भी बढ़िया डील इंडिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी हो, प्रेजेंटली अगर देखा जाए इंडिया विन विन सिचुएशन में है और इंडिया का ही प्रॉफिट हुआ है, और जब ये प्लांट कम्प्लीटली अपने तरफ से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा तो इंडिया के लिए एक बहुत ही खुशखबरी होगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियो देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU PUL में जाकर देख सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट इंटरेस्टिंग वीडियोज वहाँ आपको मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचते हैं आपको क्या देखना अच्छा लगता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट टाइम में वीडियोज आता है, जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।